So we are starting with the article 13 Laplace transforms of derivatives. So theorem number 8 says if f of t be continuous on 0 to infinity and of exponential order alpha s t approaches to infinity and if f dash t is of class a so f dash t is of class a ka matlab kya hai that f dash t is piecewise continuous for the given finite sub interval

कि अगर एफ़ ऑफ़ टी की लेपलिस इफ़ ऑफ एफ ऑफ़ टी इज़ एफ ऑफ़ एस देन लेपलेस ऑफ़ एफ डैश टी क्या हो जाती है एस टाइम्स एफ ऑफ़ एस माइनस कैपिटल एफ़ ऑफ़ ज़ीरो सो कैपिटल एफ़ ऑफ़ ज़ीरो का मतलब क्या है जो हमें एफ़ ऑफ़ टी गिवन है उसमें जब हम टी को ज़ीरो पुट करेंगे तो वी विल गेट एफ एट ज़ीरो सो so, रिज़ल्ट आप याद रखोगे इसका थ्योरम का प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो प्रूफ इसका सेम है जैसे कि आपने एग्जिस्टेंस थ्योरम की थी सो एग्जिस्टेंस थ्योरम में आपने हमने क्या कहा था दैट इफ़ एफ ऑफ टी इज़ ऑफ क्लास ए दैन लेप्लिस ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट यहाँ पर क्या है दैट इफ़ एफ डैश इज़ ऑफ क्लास ए दैन लेप्लिस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी एग्जिस्ट सो प्रूफ आप अपने लिए एक बार पढ़ लेना जस्ट गिव इट ए रीडिंग एंड फर्दर आपने ये रिजल्ट याद रखना है दैट लेपलेस ऑफ एफ डैश टी इज़ इक्वल टू एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस कैपिटल एफ एट जीरो देन ओके सो यहाँ पे देखो प्रूफ में इन्होंने केस वन लिया हुआ है एक तो कि क्योंकि जब हम एफ डैश टी ऑफ क्लास ए लेते हैं तो उसमें एफ डैश टी इज़ पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस बट हो सकता है कि एफ एफ डैश टी कॉन्टीन्यूअस ही हो सो केस वन जो इन्होंने लिया है वो क्या है वैन एफ डैश टी इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ज़ीरो टू इंफिनिटी सो वैन एफ डैश टी इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन जीरो टू इंफिनिटी तो ये रिज़ल्ट होल्ड करता इसके है इसके अलावा केस टू लिया वैन एफ डैश टी इज़ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस इन जीरो टू इन्फिनिटी सो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस के लिए आपको पता है एवरी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल तो पीस वाइज कॉन्टिन्यूस जब इसकी निकाल रहे हैं तो टी वन टी टू टी एन अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हैं तो उसमें हम ब्रेक करके और फिर ये इसको सॉल्व किया यहाँ पे इसको सॉल्व किया यहाँ पे तो अलग अलग इंटीग्रल्स को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा सो so आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस कैपिटल एफ एट जीरो सो अगेन प्रूफ जस्ट गिव इट अ रीडिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पेपर में प्रूफ नहीं आता इसका नाउ रिमार्क्स इंपॉर्टेंट हैं देखो फर्स्ट रिमार्क क्या है इफ़ एफ ऑफ टी इज़ कॉन्टीन्यूस एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो सॉरी इफ़ एफ ऑफ टी इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट टी इज इक्वल टू जीरो सो नॉट कॉन्टिन्यूस में बट लिमिट टी अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ टी एग्जिस्ट तो देखो हम जब भी लेपलेस ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो लेपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसमें जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पार माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी लिखते हो आप तो टी जो है वो जीरो टू तो इन्फिनिटी के बीच में डिफाइंड होना चाहिए सो so, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर हमारा जो गिवन लैप फंक्शन है एफ ऑफ़ टी अगर वो ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस नहीं है बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एफ ऑफ टी की देन लैपलेस एफ डैश टी इज़ इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ ऑफ टी तो हमने रिजल्ट जो किया था वो क्या था दैट लैपलेस ऑफ एफ डैश टी इज़ एस टाइम्स एफ एट एस माइनस एफ एट ज़ीरो तो आपको पता है अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यही है दैट एफ ऑफ जीरो इज़ इक्वल टू लिमिट टी अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ टी और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं तभी एफ ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है हमारा सो दे आर सेम कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं भी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एफ़ ऑफ ज़ीरो की जगह लिमिट t अप्रोचिज़ टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ टी कर देंगे कि हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट कंसीडर कर लेंगे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर नहीं करें ठीक है नाउ रिमार्क टू रिमार्क टू सेज दैट इफ एफ ऑफ टी इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट टी इज इक्वल टू ए एट सम पॉइंट बट टी अप्रोच टू ए नेगेटिव एंड टी अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव बोथ एग्जिस्ट तो कॉन्टीन्यूस नहीं है बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं दे मे नॉट बी इक्वल कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए था तो फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है लेकिन लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक्जिस्ट करती है देन लेप्लेस ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस सेम है माइनस एफ एट जीरो माइनस सो ये एक टर्म हमारी एक्स्ट्रा ऐड होती है ई रेस टू पार माइनस ए एस लिमिट टी अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ टी राइट हैंड लिमिट को ई रेस टू पार माइनस ए एस से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज द जंप एट द डिसंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू ए सो ये दोनों रिमार्क्स आपने याद रखने हैं सो so, ये रिमार्क्स किसके लिए हैं पहला रिमार्क है अगर टी पे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमने सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ले कंसिडर करनी है और अगर किसी पॉइंट ए पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो हम ये जो एक टर्म हमें एक्स्ट्रा दी हुई है जिसको कि जंप एट डिस बोलते हैं ई रेस टू पार माइनस ए एस इन टू डिफ्रेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आ जाता है नाउ थ्योरम नाइन नाउ थ्योरम नाइन क्या है अब ये आ गया लेपलेस ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो क्या था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या किया था एफ़ ऑफ़ एस को एस से मल्टीप्लाई करके माइनस एफ़ एट ज़ीरो अब देखो अब है लेप्लेस ऑफ एफ डबल डैश टी सो डबल डैश टी में क्या हो जाता है यहाँ पे आ जाता है एस स्क्वायर एफ़ एट एस माइनस ये वाली टर्म भी एस से मल्टीप्लाई हो गई माइनस एफ़ डैश एट ज़ीरो सो ये किसकी लैपलेस है लैपलेस ऑफ एफ डबल डैश टी की ऐसे ही अगर आपको अब देखो ट्रिपल की निकालनी है तो क्या करोगे आप यहाँ जाएगा क्यूब यहाँ जाएगा स्क्वायर यहाँ जाएगा एस एंड माइनस एफ डबल डैश एट ज़ीरो सो एंड सो ऑन करते करते हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो फाइंड कर सकते हैं सो so, यहाँ पे आपको प्रूफ कोई भी इम्पॉटेंट नहीं है जस्ट रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट हैं सो दिस इज़ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी एस स्क्र एफ एट एस माइनस एस एफ एट जीरो माइनस एफ डैश जीरो सो यहाँ पर इन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया लैपलेस ऑफ एफ एन टी एन एथ डेरिवेटिव इज एफ ऑफ एस को एस रेज टू पार एन से मल्टीप्लाई फिर आपके पास कैपिटल एफ एट जीरो एफ डैश ज़ीरोन का निकाल रहे हो Laplace, तो एफ एन माइनस वन एट जीरो तक आएगा और एस की पावर्स आप देखो डिक्रीज होती जाएंगी एस रेज टू पार एन एस रेज टू पार एन माइनस वन एस रेज टू पार एन माइनस टू एंड सो सो रिज़ल्ट इम्पोर्टेंट है और रिज़ल्ट आपको याद रखना है थ्योरम नंबर टेन का जो प्रूफ है वो इन्होंने इंडक्शन से किया है so, सो आप चाहो तो इसको एक बार रीडिंग कर सकते हो तो so, अब हम क्या कर रहे हैं पहले हम इसी के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ लेपलेस ऑफ साइन अंडर रूट टी इज गिवन टू यू अंडर रूट पाई रेस्ट बार माइनस वन बाई फोर एस टू एस रेस्टूबार थ्री बाय टू शो दैट लैपलेस ऑफ कॉस अंडर रूट टी ओवर अंडर रूट टी इज इक्वल टू दिस तो देखो इसमें इन्होंने क्या किया दे आर सेम की इफ एफ ऑफ टी इज साइन अंडर रूट टी अगर एफ ऑफ टी को साइन अंडर रूट टी लेते हैं तो एफ डैच टी क्या बन जाएगा साइन की जगह आ जाएगा कॉस अंडर रूट टी इन टू वन बाय टू टी रिस्ट फार माइनस ऑफ सो यह बन गया कॉस अंडर रूट टी ओवर टू अंडर रूट टी स ऑफ एफ डैश टी बाई रिजल्ट जो अभी हमने किया था इज इक्वल टू एस टाइम्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ एट जीरो सो दैट मीन्स लैपलेस ऑफ दिस विच इज एफ डैश टी इज इक्वल टू एस टाइम्स लैपलेस ऑफ साइन अंडर रूट टी माइनस एफ एट जीरो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम टी को जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जब आप टी को जीरो पुट करोगे मतलब कि एफ ऑफ सॉरी ये है ना हमारा एफ ऑफ टी साइन अंडर रुट टी है तो एफ एट जीरो क्या बन जाएगा साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो सो ये एफ ऑफ जीरो आ गया ज़ीरोपलेस ऑफ साइन अंडर रूट टी टी हमें ये गिवन थी सो ये वैल्यू यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी है ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे हमें जो निकालना था उसमें क्योंकि टू नहीं चाहिए तो ये वाला टू कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेके आ सकते हैं सो ये टू उधर चला गया एंड फाइनली दिस इज द आंसर सो बहुत ही ईजी है हाउ टू फाइंड लैपलिस ऑफ द डेरीवेटिव सेकेंड एग्जाम्पल देखो यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरीवेटिवेल्यूएट द गिवन सो एफ ऑफ टी को अगर मैं ई रेस्ट बार एटी ले लूँ तो एफ डैश टी ए टाइम्स ई रेस्ट बार ए टी हो जाता है सो लेपलेस ऑफ एफ डैश टी इज़ एस टाइम्स लैपलेस एफ ऑफ टी माइनस एफ एट जीरो अब अगर एफ ऑफ टी ेस्टू पार ए टी है तो एफ ऑफ जीरो विल भी वन सो लेप्लेस ऑफ ए टाइम्स ई रेस्ट बार एटी इज इक्वल टू एस टाइम्स लैपलेस ऑफ ई रेस्ट बार ए टी माइनस वन सो ए कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये बन गया एस माइनस ए टाइम्स लैपलेस ऑफ यू रेस्टोपार एटी इज इक्वल टू वन सो लैपलेस ऑफ यू रेस्टोपार एट इज इक्वल टू वन ओवर एस माइनस ए ऐसे ही अब इन्होंने निकाल लिया लैपलेस ऑफ साइन एटी एंड लैपलेस ऑफ कोस हाइपोबॉलिक एटी तो ये तो जस्ट आपको नहीं पर पेपर में वो आपको ऐसे दे सकते हैं यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सो साइन एटी का भी ऐसे किया इन्होंने एफ ऑफ एटी है साइन एटी तो एफ डैश टी क्या बन गया ए टाइम्स कॉस ए टी अब देखो यहाँ पे क्योंकि साइन ए टी की लैपलेस हमें फाइंड करनी है तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव ले लूँगी एफ डबल डैश टी तो वो आएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ए टी तो साइन ए टी की क्योंकि लैपलेस चाहिए ना मुझे तो यहाँ पे इन्होंने लैपलेस ऑफ एफ डबल डैश टी का फार्मूला यूज़ किया सो इट इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ एट जीरो माइनस एफ डैश एट जीरो सो लैपलेस ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एट इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्ल ऑफ साइन एटी माइनस एस एट एफ ऑफ टी अगर साइन एटी है तो एफ ऑफ जीरो विल बी ज़ीरो एंड एफ डैश जीरो विल बी इक्वल टू वन सो ये सॉरी ए आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा माइनस ए स्क्वेयर को आप बहा ले आए यहाँ पे बहा ले आए माइनस ए स्क्वायर को सो ऑफ साइन इज इक्वल टू एस ऑफ साइन माइनस ए सो लैपलेस ऑफ साइन एटी को कंबाइन करके दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर थर्ड पार्ट है लैपलेस ऑफ कॉस एटी। इसमें भी आपको पता है डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें दोबारा कॉस हाइपरबॉलीकेटी का मिलता है तो सेम वैसे ही इसको भी किया उन्होंने नाउ लेट इस कम टू एग्जाम्पल नंबर थ्री फाइन लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इफ एफ डबल डैश टी प्लस थ्री टाइम्स एफ डैश टी प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो सो एफ़ ऑफ जीरो इज़ वन एंड एफ एफ डैश ज़ीरो इज़ वन सो हमें लैपलेस फाइंड करनी है एफ ऑफ टी की तो क्योंकि हाँ हमें एफ़ डैश एफ डबल डैश टी के साथ रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में इट्स सेल्फ ये एफ डबल डैश टी का रिलेशन दिया हुआ है इसका मतलब आई विल ट्राई टू यूज़ लैपलेस ऑफ़ एफ डबल डैश टी लैपलेस ऑफ़ एफ डबल डैश टी इज़ इक्वल टू एस स्क्र लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ एट ज़ीरो माइनस एफ डैश एट ज़ीरो सो so, अब क्या करोगे यहाँ से अब ये जो हमें गिवन था इन्होंने क्या किया ये जो हमें गिवन रिज़ल्ट था इसकी लैपलेस ले ली टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ साइड्स सो so, लैपलेस ऑन बोथ साइड्स लेके इस पर लगा देंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी तो जब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ गया एस स्क्वे लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ एड ज़ीरो माइनस एफ डैश एच ज़ीरो स्टेप कैसे आया है? हमारे पास था लैपलेस ऑफ एफ डबल डैश टी एक मिनट मैं आपको बता दिखाती हूँ यहाँ पे देखो जो लास्ट में लिखा है लेपलेस ऑफ एफ डबल डैश टी so, सो यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट यूज़ कर दिया ये गिवन है हमें ये इसकी बात कर रही हूँ मैं इसकी सो लेप्लेस ऑफ एफ डबल डैश ठीक क्या आ जाएगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ एट ज़ीरो माइनस एफ़ डैश एट ज़ीरो दैन प्लस थ्री टाइम्स अब लैपलेस ऑफ़ एफ डैश ठीक क्या होता है एस एफ एट एस माइनस थ्री इंटू कैपिटल एफ एट ज़ीरो प्लस टू टाइम्स एफ एट एस इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है सो so, लेपलिस का फॉर्मूला लगा दिया सब जगह अब आपको एफ एट जीरो वन गिवन है सो so, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वन एक तो और एक यहाँ आ जाएगा वन एंड एफ डैश ज़ीरो गिवन है टू सो so, ये गिवन है एफ डैश जीरो गिवन है टू सो यहाँ आ गया टू और ये थ्री है आप देखो एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू ये कंबाइन होके के एफ ऑफ एस कॉमन आ गया इसमें से माइनस एस माइनस फाइव तो ये ये ही यहाँ बन रहा है माइनस एस माइनस फाइव को ये ले गए दूसरी साइड सो फाइनली लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस प्लस फाइव ओवर एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू सो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप इसको जब अपने हाथ से करके देखोगे तो यू विल फाइंड इट इज़ वेरी ईजी नाउ फोर्थ एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल में दे आर सेम फाइंड लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी एंड लैपलेस ऑफ एफ डैश टी तो अब इसमें जो आपको एफ ऑफ टी गिवन है वो है टू टी वैन टी लाइज बिटवीन जीरो टू वन एंड टी वैन टी इज ग्रेटर देन वन सो इसमें आपको पता क्योंकि ब्रेक करके दिया है, तो आपको डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी लैप्ल ट्रांसफॉर्मेशन की सो लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी इरेस्ट आर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी सो वन पे ब्रेक कर लिया जीरो टू वन एंड वन टू इन्फिनिटी जीरो टू वन के बीच में फंक्शन की वैल्यू टू टी पुट कर दी और वन टू इन्फिनीटी के बीच में फंक्शन की वैल्यू टी पुट कर दिया सो so, यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे वन आना था जीरो की जगह तो ये टू टी और टी पुट कर दिया सो so, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ये किया इन्होंने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ तक और इसकी इंटीग्रेशन भी बाय पार्ट्स यहाँ तक फिर लिमिट्स पुट करके यहाँ पे जब हम इन्फिनीटी पुट करते हैं तो ये लिखा है इन्होंने लिमिट टी अप्रोचेज टू तो इन्फिनीटी ई रेज टू तो बार माइनस एस टी सो ये जो है आपको अलग से फाइंड करके दिखाना पड़ेगा पेपर में भी ये बनता है टी ओवर ई रेज टू बार एस टी सो लॉपिटल रूल लगा डेरिवेटिव किया ऊपर नीचे तो आंसर आ गया ज़ीरो सो ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी ज़ीरो बाकी सारी टर्म्स को सॉल्व करने के बाद फाइनली दिस इज़ द आंसर सो देयरफॉर फुलप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज टू बाई एस स्क्वायर माइनस एस प्लस वन ओवर एस स्क्वायर इंटू ई रेस टू बार माइनस एस सो ये अभी आपको मिल गई है लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी अब आपको फाइन करनी है लेप्लेस ऑफ एफ डैश टी सो लेप्लेस ऑफ एफ डैश टी विल बी एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ एट जीरो सो एफ एट जीरो क्या आ जाएगा यहाँ से वेन टी लाइज बिटवीन जीरो टू वन एफ ऑफ टी इज टू टी तो जब जीरो पुट करेंगे तो आंसर विल बी जीरो तो एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही है इसका मतलब सो लैपलेस ऑफ एफ डेश टी विल बी सिंपली एस टाइम्स एफ ऑफ एस दैट इज टू बाय एस यहां से इसको एस से मल्टीप्लाई कर दो सो टू बाय एस माइनस एस प्लस वन ओवर एस इनटू ई रेस्ट ऊपर माइनस ठीक है इतने जीरो पे तो प्रॉब्लम नहीं थी बट वो क्या ना कि क्योंकि वन पे यहाँ ब्रेक करके दिया वन पे आपको इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की ठीक है सो so, वन पे देखो जब आप अगर जब टी अप्रोचिज़ टू वन नेगेटिव करोगे तो आंसर आएगा टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू टू आएगी और जब टी अप्रोचिज टू वन पॉजिटिव करके लिमिट फाइंड करोगे तो राइट हैंड लिमिट जो है वो वन आएगी तो याद है उस केस में क्या होता है हमारा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ एट ज़ीरो जो कि ज़ीरो ये इस केस में माइनस ई रेस्टू पार माइनस एस इन लेफ्ट हैंड लिमिट टू माइनस वन विच इज़ वन तो साथ में माइनस ई रेस्टू पार माइनस एस आपका एक और आएगा सो so ये देखो यहाँ पे इन्होंने किया दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ई इज़ इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो लैप्लेस ऑफ एफ डैश इज एस टाइम्स लैप्लेस एफ ऑफ टी माइनस एफ एच जीरो माइनस ई टू पावर माइनस एस राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट सो मैंने लेफ्ट माइनस राइट कर दिया था तो मेरा आंसर वन आ रहा था बट राइट माइनस लेफ्ट है क्योंकि तो आंसर माइनस वन आएगा तो यहाँ पे ये एक ई रेस्ट बार माइनस एस वाली टर्म और आएगी उसको जब आप अंदर वाली टर्म से कंबाइन करोगे तो फाइनली दिस इज़ द आंसर सो आई होप This concept of the derivatives of uh, Laplace transforms of derivatives is clear to you. Now our next topic is multiplication by t. So next is article number fourteen. Multiplication by positive integral powers of t. So you are seeing. This result, you have कि अगर मैं अगर एफ एफ ऑफ टी की लैपलेस एफ ऑफ एस होती है देन अगर मैं एफ ऑफ टी को टी रेज टू पार एन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस ये जो तो नया फंक्शन आता है इसकी लैपलेस इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पार एन इन टू एन एथ डेरीवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस मतलब अगर आपने टी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस हो जाएगा टी स्क्वायर से किया तो माइनस वन की स्क्वायर इंटू डी स्क्वायेर बाई डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस हो जाएगा एंड सो ऑन सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ इसका बहुत ईजी है क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ की सिंपली सो लेट अस लेटेस्ट पहले यानी टू वन के लिए प्रूव करते हैं स्टेप वन में सो लैपलेस ऑफ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट नंबर वन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन दैट इज़ लेपलेस ऑफ टी एफ टी इज़ इक्वल टू दिस तो ये क्योंकि आपने प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे लैपलिस ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस जो कि ये था सो so, डेडिवेटिव ले लिया एफ ऑफ एस का सो डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ द इंटेगरल सो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यूजिंग लाइबन रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटेगरल साइन आई होप ये आपने पढ़ा हुआ है लाइबन रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन इसमें क्या होता है मैं आपको रिजल्ट भी बता देती हूँ एक बार कि जब आप इंटीग्रेशन के अंडर डिफ्रेंशिएशन करते हो सो दिस इज़ इक्वल टू ये डी बाई डी एस इंटीग्रेशन के अंदर जाके पार्शल डेरिवेटिव बन जाएगा क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है ये एस और टी का फंक्शन है अब इंटीग्रल के विद रिस्पेक्ट टू तो एस कॉन्स्टेंट है बट जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एस और टी बोथ हार दिस इज अ फंक्शन ऑफ बोथ एस एंड टी बट सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस सो टी विल बिहेव एज कॉन्स्टेंट सो ये बन गया दिस इज इक्वल टू जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एस करोगे तो एफ ऑफ टी तो कॉन्स्टेंट है ई रेस टू वन माइनस एस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू वन माइनस एस टी इन टू माइनस टी सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एस टी और टी एफ टी को कंबाइन कर दिया सो बाय डेफिनेशन ये माइनस बाहर रहने दो और बाय डेफिनेशन ये बन गई लैपलेस ऑफ टी टाइम्स एफ ऑफ टी सो डी बाय डी एस ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस दैट मीन्स लैपलेस ऑफ टी एफ टी इज माइनस वन इंटू डी बाय डी एस ऑफ एफ ऑफ एस सो वी हैव प्रूव द रिजल्ट फॉर एन इज इक्वल टू वन नाउ

इसकी लेपलेस की डेफिनेशन क्या होती है जीरो टू इंफिनिटी रेस टू पार माइनस एस टी टी रेस टू पार एम एफ ऑफ टी डी टी ये इट इज़ नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एस तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस एंड यहाँ पे हो गया ये डी एम बाई डी एम प्लस वन एफ ऑफ एस सो अगेन आप पार्शियल डेरीवेटिव को जब इंटीग्रेशन सॉरी डी बाई डी एस को इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाओगे तो पार्शियल पार्शल डेरीवेटिव बन जाएगा टी रेस्ट टू पार एम एफ ऑफ टी कॉन्सटेंट है इसका डेरीवेटिव करोगे तो ये आ गया तो ये क्या बन गया माइनस कॉमन आ रहा है यहाँ से सो ई रेस्ट वन माइनस एस टी टी रेस्ट पार एम प्लस वन एफ ऑफ टी डी टी और यहाँ से जो माइनस कॉमन आया था उसको हम ले गए इस साइड तो ये बन गया माइनस वन रेस्ट टू पार एम प्लस वन डी एम प्लस वन ओवर डी एस एम प्लस वन एफ ऑफ एस सो लेप्लेस ऑफ टी रेस्ट पर पार एम एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथेमेटिकल इंडक्शन फिर नीचे इन्होंने ये लाइबनिथस रूल भी कोड करके दिखाया आपको दैट इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स दैन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एस कॉमा टी डी टी एस ओ टी का फंक्शन है सो डी बाई डी एस इज इक्वल टू दिस अंदर ले गए इंटेग्रल के तो पार्शल डेरीवेटिव बन गया ओके okay, यही आपका होता है लाइबनीथस रूल सो आप आगे जाके फाइनल ईयर में लाइबनीथ रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ोगे उसमें ये होता है कि अगर आपके पास जो लिमिट्स ऑफ द फंक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है तो इसमें कुछ और टर्म्स भी आ जाती हैं लेकिन यहाँ पे आपको जितना क्यूज़ हो रहा है उसमें क्योंकि आपकी लिमिट्स तो हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही होएगी लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सो दैट इज़ वाई आपको बस इतना ही याद रखना है so सो यही चीज़ इन्होंने ऊपर यूज़ करके प्रूव की है सो आई होप द रिज़ल्ट इज क्लियर टू यू कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू सो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम तो so जो अभी हमने दो रिजल्ट्स किए हैं मैंने यहाँ पे आपको दोनों लिख के दिखाए हैं आप इनको ऐसे याद रखोगे कि जब हमने एन एथ डेरीवेटिव ऑफ़ एफ ऑफ टी लेना होता है सो एन एथ डेरीवेटिव ऑफ़ एफ ऑफ टी लेने से एफ ऑफ एस जो है वो एस टू पार एन से मल्टीप्लाई होके साथ में ये हमारे पास और टर्म्स आ रही हैं ठीक है बट एफ ऑफ एस जो है वो एन एस टू पार एन से मल्टीप्लाई हो गया जब हम एफ ऑफ टी का डेरीवेटिव ले रहे हैं ऑन द अदर हैंड जब हम एफ ऑफ टी को टी के एन पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर एफ ऑफ एस का एनए डेरीवेटिव आ गया सो so, आप समझ रहे हो दो रिजल्ट जो है वो तो थोड़े से इंटरकनेक्टेड है कि फंक्शन का एनएथ डेरिवेटिव लेने से लेपलेस ट्रांसफॉर्म एस रेस्टोबार एन से मल्टीप्लाई हो जाती है ऑन द अदर हैंड एफ ऑफ टी को टी टू बार एन से मल्टीप्लाई करने से एफ एस लेपलेस ट्रांसफॉर्म का एनएथ डेरिवेटिव आता है सो so, ये दोनों रिजल्ट ये वाला और ये वाला आपको अच्छे से याद रखनी है सो नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर फाइव तो दे आर सेम वी हैव टू फाइंड लैपलेस ऑफ e ई to टू t तो so, आप देख रहे हो t e से मल्टीप्लाई हुआ है आपका सो लेपलेस ऑफ ई to टू पार्टी हमें पता वन ओवर एस माइनस वन होती है तो so, एक बार t e से मल्टीप्लाई करने से माइनस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ वन ओवर एस माइनस वन डेरीवेटिव ऑफ वन ओवर एस माइनस वन इज माइनस वन टाइम्स वन ओवर एस माइनस वन होल स्क्वायर बट एक माइनस क्योंकि यहाँ पड़ा है तो ये प्लस वन ओवर वन एस माइनस वन की होल स्क्वायर आपका आंसर आ गया नेक्स्ट है लेप्लेस ऑफ टी स्क्वायर ई रेस टू पार्ट टू टी तो ई रेस टू पार्ट टू टी का डेरिवेटिव हमें पता है लेप्लेस हमें पता है वन ओवर एस माइनस टू अगर हमें लेप्लेस ऑफ टी टाइम्स ई रेस टू पार्ट टू टी करना होता तो हम करते हैं माइनस वन इन टू डेरीवेटिव ऑफ दिस जो कि आ जाएगा माइनस वन ओवर एस माइनस टू की होल स्क्वायर तो ये बन गया प्लस वन ओवर एस माइनस टू की होल स्क्वायर सो इंटू आप क्योंकि टी स्क्वायर करना है तो माइनस वन की स्क्वायर इंटू डबल डेरीवेटिव है तो देखो माइनस वन की स्क्वायर तो प्लस वन हो गया डी वाई डी एस बाहर छोड़ के एक बार डीवाई डी एस अंदर ले गए एक डेरीवेटिव किया तो ये आंसर आ गया सो so, ये माइनस वन बाहर लिखा और फिर से इसका डेरीवेटिव किया तो ये आ गया सो फाइनली दिस इज द आंसर आई होप आपको समझ आ रहा है ये नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट लैपलेस ऑफ ई रेस्टुपर ए टी सो टी टू पार एन से करना है सो लैपलेस ऑफ ई टू पार ए टी होता है ओवर माइनस सो ऑफ़ टी ये अब आपने कैलकुलस रिडक्शन फॉर्मूला वाला जो चैप्टर किया था फर्स्ट ईयर में उसमें आपने एथ डेरीवेटिव के रिजल्ट याद किए थे तो वही इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट कोड भी कर दिया दैट एन एथ डेरीवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स माइनस ए इज़ माइनस वन रेज टू पार एन इन टू एन फैक्टोरियल ओवर एक्स माइनस ए रेज टू पार एन प्लस वन सो वही माइनस वन रेज टू पार एन एज इट इज़ आ गया और ये उन्होंने कर दिया उसका एन एथ डेरीवेटिव फाइनली दिस इज द आंसर सो अगेन आई एम रिपीटिंग आपको ये समझ तभी आएंगे जब आप इनको अपने हाथ से करोगे सारे एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट है इवेल्यूएट लैपलेस ऑफ टी टाइम्स साइन ए टी सो साइन ए टी का लेप्लेस हमें पता है ए ओवर एसक्वायर प्लस ए स्क्र टी से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा सो दैट इज माइनस ए इंटू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए बहा ले आए कॉन्स्टेंट एंड वन ओवर एसक्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरीवेटिव इज माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्र ए स्टूबर माइनस टू इंटू टू एस सो ये आंसर आ गया ऐसे ही साइन हाइपोबॉलिक ए टी का डेरिवेटिव हमें पता है टी टाइम्स मल्टीप्लाई करने से माइनस इनटू उसका डेरिवेटिव। सो आई होप अब आप ये कर लोगे इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ नेक्स्ट है लैपलेस ऑफ टी स्क्वायर साइन एटी। टी तो साइन ए का लैपलेस एवर ओवर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर से किया तो माइनस वन की स्क्वायर इंटू डबल डेरीवेटिव माइनस वन की स्क्वायर हो जाता है प्लस खत्म हो गया ये ए कांस्टेंट बाहर ले आए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर माइनस वन सो एक डी वाई डी एस बाहर छोड़ के एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पर माइनस टू इंटू टू एस आ गया अब ये वाला टू भी बाहर आ रहा है और ये माइनस भी बाहर आ रहा है ये ये वाला माइनस और ये वाला टू सो माइनस टू ए बाहर आ गया हमारे पास बचा डी वाई डी एस ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा यू ओवर वी रूल सो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की स्क्वायर की स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एस का डेरिवेटिव वन माइनस माइनस एस आना था यहाँ पे इंटू एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो टू टाइम्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एस सो फाइनली इसको पूरा उन्होंने देखा कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्योंकि ऊपर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है सो हमारे पास बच रहा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ से एंड माइनस फोर एस स्क्वायर यहाँ से सो फाइनली दिस इज द आंसर नेक्स्ट है लैपलेस ऑफ टी टाइम्स कॉस स्क्र टी तो पहले तो कॉस स्क्र टी की लैपलेस फाइंड करनी है उसके लिए पावर हटानी पड़ेगी सो वन प्लस कॉस टू टी ओवर टू सो वन बाई टू इन टू वन की लैपलेस वन बाई एस हो गई और कॉस टू टी की एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर सो एलसीएम लेके इन्होंने इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया अब जब इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ एस स्क्वास इंटू एस स्क्वा तो ये देखो माइनस वन इंटू यू ओवर वी रूल लगा दिया इन्होंने डेरीवेटिव करने के लिए सो फाइनली दिस इज द आंसर नेक्स्ट देखो एट एग्जाम्पल ऑफ टी टाइम्स साइन थ्री साइन टू टी माइनस टू कॉस टू टी तो ईजी है बहुत पहले आप थ्री साइन टू टी माइनस टू कॉस टू टी का लैपलेस फाइन करोगे उसके लिए सबसे पहले लगाइए इन्होंने लिनियरिटी प्रॉपर्टी सो ये इसको पहले थ्री टाइम्स लैपलेस ऑफ साइन टू टी माइनस टू टाइम्स लैपलेस ऑफ कॉस टू टी लिख लिया फिर थ्री टाइम्स साइन टू टी की लैप्लस ए ओवर एस्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू कॉस टू टी की एस ओवर एस्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो so, ये मल्टीप्लाई किए कॉन्स्टेंस एल्सियम्स आ रहा है ये आंसर आ गया अब इस पूरे फंक्शन को गिवन क्वेश्चन में टी से मल्टीप्लाई किया तो जब हम इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस सो इसका डेरीवेटिव करने के लिए सिंपल यू ओवर वी रूल है जो आपको आता है कैलकुलेशन करके दैट विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये अब इसमें लैपलेस ऑफ सबसे पहले इन्होंने साइन थ्री टी की तो लैपलेस निकाल ली एवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब जब हमें टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू की निकालनी है तो आ जाएगा लैपलेस ऑफ टी साइन स्क्वायर साइन थ्री टी देन थ्री टाइम्स लैपलेस ऑफ टी साइन थ्री टी प्लस टू टाइम्स लैपलेस ऑफ साइन थ्री टी सो साइन थ्री टी की लैपलेस तो अब इन्होंने एज इट इज़ ये हमने फाइंड कर ली है टी साइन थ्री टी के लिए माइनस वन इंटू डी बाई डी एस ऑफ थ्री ओवर एस स्क्वायर प्लस नाइन सो इसका डेरिवेटिव करके स्क्वायर प्लस नाइन माइनस रेस्ट व माइनस वन है सो माइनस वन इंटू रेस्ट वार माइनस टू इंटू टू एस सो ये आंसर आ गया ऐसे ही यहाँ पे हमें चाहिए टी स्क्र साइन थ्री टी सो माइनस वन की स्क्वायर इंटू दिस सो एक डी वाई डी एस बाहर रख के दूसरे से अंदर डेरीवेटिव कर दोगे ये आंसर आ जाएगा ये सॉल्व करके लिखा एंड फिर से इसका डेरीवेटिव ले लिया इसमें अब यू ओवर वी रूल लगाना पड़ेगा सो दिस इज़ द आंसर सो लैपलेस ऑफ टी स्क्र साइन थ्री टी लेप्लेस ऑफ टी साइन थ्री टी एंड लैपलेस ऑफ साइन थ्री टी ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे ये यहाँ पे सब्सिट्यूट की इन्होंने सो सब्सिटीट्यूट करके जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर ये सॉल्व किया हुआ इन्होंने ये वाला पार्ट है हमारा ये वाला लास्ट में जो लिखा हुआ तो so, आप देख रहे हो स्क्वायर प्लस नाइन की होल क्यूब यहाँ से आपका एलसीएम आएगा लास्ट स्टेप से और वो यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर प्लस नाइन की होल क्यूब एलसीएम लेके ये देखो स्क्वायर प्लस नाइन की होल क्यूब का एलसीएम लेके ये डिनोमिनेटर आ जाएगा इसको सॉल्व करके दिस इज द आंसर तो आपने क्या करना है इसको सॉल्व करके देख लेना अपने हाथ से हाँ जी नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल नंबर नाइन सो आई गैस पहले आप ना वो दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से सो नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद एग्ज़ाम्पल नंबर नाइन ओनली सो पहले आप इतना पोर्शन अच्छे से प्रैक्टिस करो